स्वागत है आप सभी लोगों का द मास्टर प्रकाश क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। आज फिर इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा रीजनिंग का बेहतरीन ट्रिक के साथ क्वेश्चंस कैसे आप कुछ ही सेकंड में सॉल्व कर पाते हैं। आज नए टॉपिक के साथ आप लोगों के साथ आए हैं, इसका नाम है डायरेक्शन अर्थात दिशा परीक्षण से रिलेटेड आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। इस वीडियो लेक्चर्स में एक दिशा से रिलेटेड खूब क्वेश्चंस पूछा जाता है जिसमें एंगल से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं और इसमें बहुत बच्चे भ्रमित रहते हैं। वो फिगर बनाने के चक्कर में क्वेश्चंस में ज़्यादा टाइम दे देते हैं और जरूरी नहीं कि वो सही कर पा रहे हों। तो आइए आज आपको बेहतरीन अप्रोच के साथ सिखाते हैं कि कुछ ही सेकंड में आप कैसे, ये देखिएगा आपके सामने ये सारे क्वेश्चंस हैं, कुछ ही सेकंड में आप कैसे इन सब क्वेश्चंस को आप बना पाएंगे। देखने में तो बहुत डरावने से लगते हैं लेकिन डरने वाली बात नहीं है। आइए आप कैसे इस क्वेश्चंस को कुछ ही सेकंड में बनाते हैं उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। देखिएगा पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिया गया है, एक ही क्वेश्चन हम समझाएंगे, बाकी जितने भी क्वेश्चंस लेके आए हैं इन सब क्वेश्चंस का आप आंसर देंगे। चलिए तो थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपको बता दें, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चंस मिले आपके एग्जाम में, जैसे एक बार अगर पढ़ना चाहें तो आप पढ़ लीजिए। कह रहा है एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके क्या है, खड़ा है। पहले वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, फिर वह 90 डिग्री वामावर्त घूमता है, फिर वह 135 डिग्री जो है दक्षिणावर्त घूमता है। अब आपको बताना है कि उस व्यक्ति का मुख किस दिशा में रहने वाला है। तो थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपको बता दें, जब भी आप ठीक ना 2D पिक्चर्स पे दिशा को डिनोट करते हैं तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि आपका क्या होता है, ये पूरब होता है, ये आपका पश्चिम होता है, ऊपर आपका क्या होता है भैया दक्षिण होता है, और ये नीचे आपका क्या होता है भैया ऊपर आपका उत्तर, नीचे दक्षिण होता है। इतनी बातें समझ में आई। और एक आपको हम बता दें, जब भी कोई भी व्यक्ति है, दक्षिणावर्त का मतलब क्या होता है, अगर क्वेश्चंस में ऐसे बड़ा से लिख के आएगा कि दक्षिणावर्त, तो दक्षिणावर्त का मतलब आपको बहुत अच्छे से पता है कि क्या होता भैया क्लॉकवाइज, और वामावर्त का मतलब क्या होता है एंटी क्लॉकवाइज। बातें समझ रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज इसका मतलब कि घड़ी के दिशा में, और इसका मतलब क्या होता भैया घड़ी के विपरीत दिशा में। तो इसको हम लोग क्या कह देते हैं, दक्षिणावर्त कह देते हैं, इसको क्या कह देते हैं दक्षिणावर्त कह देते हैं, और ये आपका क्या होता भैया वामावर्त होता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ से देखिएगा जैसे जैसा क्वेश्चंस कह रहा आप उसी के अकॉर्डिंग आप पढ़ते जाइए और क्वेश्चंस का आंसर आसानी से आप फाइंड आउट कर लीजिए। यहाँ से देखिएगा आप, डायरेक्शन हमने आपको बहुत अच्छे से सिखाया है, जो बच्चे पढ़े भी होंगे उनको समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए तो किसी में भी आपको फिगर बनाने की आवश्यकता नहीं है। डायरेक्शन में सिंगल ऐसा क्वेश्चंस नहीं है जिसमें आपको फिगर बनाने की आवश्यकता है। विदाउट फिगर सारे क्वेश्चंस को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं कुछ ही सेकंड में। आइए जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए तो आपको क्या करना है, ये जो पहली दिशा दी गई है, हमसे कह रहा है कि एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके क्या है, खड़ा है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या लिख लीजिए भैया, उत्तर लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए, उत्तर लिख लीजिए। उसके बाद जैसा जैसा कहा है आप वैसा वैसा नोट करते जाइए। जैसे यहाँ से देखिएगा कह रहा है कि पहले वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, तो दक्षिणावर्त का मतलब क्या होता है भैया 45 डिग्री वो किधर घूमता है, दक्षिणावर्त घूमता है। दक्षिणावर्त का मतलब क्या हो गया, क्लॉकवाइज हो गया। फिर कह रहा है कि 90 डिग्री वो क्या घूमता है, वामावर्त। तो 90 डिग्री ये किधर घूमता है भैया, वामावर्त। वामावर्त का मतलब क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज। फिर यहां से देखिएगा वो हमसे कह रहा है 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, 135 डिग्री ये क्या भैया किधर घूमता है, क्लॉकवाइज। दक्षिणावर्त का मतलब क्लॉकवाइज। बस इतना ही आपको करना है काम, उसके बाद ये क्वेश्चंस का काम खत्म। अब यहां से देखिएगा जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए तो आप ऐसे पहले आप सीक्वेंस में क्या करिए, इसको लिख डालिए और फिर आप सोचिए क्लॉकवाइज को क्लॉकवाइज के साथ आप ऐड करेंगे, क्लॉकवाइज को क्लॉकवाइज के साथ, और एंटी क्लॉकवाइज को एंटी क्लॉकवाइज के साथ आपको ऐड करना। फिर इन दोनों को क्या कर देना भैया, माइनस कर देना। क्या कर देना है, माइनस कर देना है, ठीक ना। इतना ही काम करना है। जैसे यहाँ पे देखिएगा ये क्लॉकवाइज है और ये आपका क्या है, क्लॉकवाइज है। इन दोनों को आप जोड़ लीजिए, इसमें अगर इसको जोड़ेंगे, बातें समझ रहे हैं भैया, तो ये कितना हो जाएगा आपका 180। 180 क्या हो जाएगा भैया, ये क्लॉकवाइज होगा। आपके पास ये क्या है, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को आपस में घटा दीजिए, ये कितना आ जाएगा आपका 90 डिग्री।
बातें समझ रहे हैं, ये 180 में से 90 घटाएं कितना आ जाएगा आपका 90। लेकिन मजे की बात ये है कि आप यहाँ पे क्लॉकवाइज लिखेंगे कि एंटी क्लॉकवाइज लिखेंगे ना भैया, क्लॉकवाइज आप लिखेंगे कि एंटी क्लॉकवाइज लिखेंगे। तो जो बड़ा है, जो एंगल आपका बड़ा है उसके सामने अगर आप देखें ये 180 90 से बड़ा है और इसके सामने क्या है भैया क्लॉकवाइज है, तो यहाँ पे आप क्या लिख लीजिए क्लॉकवाइज लिख लीजिए, बस आपका क्वेश्चन फिनिश। ये आपका उत्तर दिया गया है, उत्तर से आप 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम जाइए, ये आपका उत्तर है। और 90 डिग्री अगर आप क्लॉकवाइज घूमेंगे, ठीक ना भैया, 90 डिग्री अगर आप क्लॉकवाइज घूमेंगे तो किस दिशा में पहुंच जाएंगे, पूरब की दिशा में पहुंच जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का ठीक ना भैया कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी ठीक ना आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर होगा। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए तो आपको फिगर बनाने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी क्वेश्चंस में आपको फिगर बनाना नहीं है, विदाउट फिगर आप चीजों को ऐसे ही सॉल्व करिएगा और कुछ ही सेकंड में आप आंसर कहीं ना कहीं फाइंड आउट कर पा रहे होंगे। आइए कुछ क्वेश्चंस हैं और उस पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिएगा दूसरा क्वेश्चन है, ये आपके लिए है भैया, आप कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा कि इसका कौन सा राइट आंसर होगा। अगर नहीं कर पाएंगे तो फिर एक वीडियो लेकर आएंगे, ठीक ना, धमाके के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करवा देंगे। ये भी आपके लिए क्या है, होमवर्क है। ये यहाँ पे देखिएगा तीन चार क्वेश्चन हमने आपको दे दिया है और आपको इन तीन चार क्वेश्चन को इसी बेसिस पे, ठीक ना भैया, नो फिगर, बातें समझ रहे, किसी में भी आपको फिगर बनाने की आवश्यकता नहीं है, विदाउट फिगर आप लगाइएगा। अगर आप फिगर बनाएंगे ठीक ना तो उसी में घूमते रहेंगे और विदाउट फिगर आप कुछ ही सेकंड में आंसर फाइंड आउट कर पा रहे होंगे। चलिए फिर मिलेंगे अगले ट्रिक के साथ, इसी तरीके से आपका रीजनिंग में हर एक चैप्टर ठीक ना भैया ट्रिक के साथ सॉल्व करवाएंगे। फिर मिलेंगे अगले लेक्चर्स में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।